सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। आज के इस वीडियो में दोस्तों देखिए, मेरे पीछे आप देखकर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिफरेंट सा सेशन है, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम खेलेंगे वर्ड गेम। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप शब्दों से खेल सकते हैं, कैसे वोकैबुलरी याद करना एक फन हो सकता है, कितना बोरिंग लगता है आपको वोकैब याद करना, लेकिन हम किस तरह से इस बोरिंग चीजों को, इन बोरिंग याद करने के तरीकों को बदल कर इतना इंटरेस्टिंग वे हम क्रिएट कर लेंगे कि आप वोकैब याद करने से कभी घबराएंगे नहीं और वोकैब आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। इसके लिए जरूरी है एक छोटी सी चीज कि आप क्रिएटिव रहें, विजुअलाइज करने की क्षमता रखें। आप थोड़ा सा इमेजिन करते जाएंगे, आपको ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो ये वोकैब का सेशन आप पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार का वर्ड गेम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, चिपके रहें, देखते रहें। यदि दोस्तों आप नए व्यूअर हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक करके आप अपने नोटिफिकेशंस निश्चित कर लीजिए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि बहुत से लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। क्योंकि जितने इस चैनल पर वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं सारे एक प्रतियोगी परीक्षा, जो भी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप अगर पूरे वीडियोस की सीरीज देखते हैं तो आपको लगेगा कि कितने महत्वपूर्ण सेशंस का संग्रह एक ही स्थान पर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले बता देता हूं आपको किस प्रकार से ये वर्ड गेम हमें खेलना है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे हैं दो रेड स्पॉट, एक बुलियन से पहले और एक एम्युलेंट के बाद में, मीन शुरुआत करनी है बुलियन से, एंड करना है एम्युलेंट पे। वर्ड गेम क्या है, क्या इसके पीछे मैंने आपको बताना है, ये डिस्कशन हम करेंगे बाद में। पहले बता देता हूं मैं इनका मीनिंग क्या है, क्या इनका मतलब है, ताकि आपको ये वर्ड्स आप नोटबुक में नोट कर सकें और उसके बाद में हम खेलते हैं ये गेम, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। जी हाँ, देखिए सबसे पहले बुलियन आपको दिया हुआ है तो बुलियन का मतलब नोट कर लीजिएगा। बुलियन का मतलब होता है बार्स ऑफ सिल्वर, बार्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड, सोने और चांदी जो अनकॉइंड होते हैं, जो सिक्कों में ढले नहीं होते हैं, उन बार्स को, जो बार होते हैं, जो आप कहते हैं क्या कह सकते हैं, जैसे किटकैट आप खाते हैं चॉकलेट, उसमें एक जो बार होता है वैसा ही बार, सिल्वर और गोल्ड की जो बार है उसको हम बोलते हैं बुलियन। तो सिल्वर चांदी या सोने की जो बार है उसको हम बोलेंगे बुलियन। नंबर दो पे आपको दिया हुआ है रेकंडाइट। रेकंडाइट से मतलब है, रेकंडाइट से मतलब है एब्स्ट्रस। एक और सिनोनिम जो आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक काम का मीनिंग यहाँ पे आपके लिए बताया मैंने। तो आप इसको और अधिक आसान करें तो ऑब्स्क्योर कह सकते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं। दोनों तो ये नोट कर ही लीजिएगा, एब्स्ट्रस है, ऑब्स्क्योर है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझने में जो मुश्किल है उसको बोलता है रेकंडाइट। ओके, नंबर थ्री पे है प्लेग। प्लेग अगर वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब होता है टू एफ्लिक्ट। टू एफ्लिक्ट से मतलब क्या है, पीड़ित करना, सफर करना किसी को, उसको हम बोलते हैं प्लेग। वो जो वर्ड है उसका मतलब है सफरिंग, यहां इसका मतलब क्या है, सफरिंग, पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुख, ये सब चीजें क्या कहलाती है, वो। डाइग्रेस वर्ड है तो डाइग्रेस का मतलब क्या है, टू डेविएट। डाइग्रेस से मतलब है टू डेविएट। डेविएट मींस भटकना, मींस आप कोई चीज बोल रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और आप मुख्य मुद्दे से भटककर कहीं और पहुंच जाएं। मैं बात कर रहा हूं वर्ड गेम की, पहुंच जाता हूं किसी ग्रामर के टॉपिक में या फिर किसी अन्य किसी टॉपिक में, मैं बात करता हूं यहां पे स्पोर्ट्स की, मैं बात करने लग जाऊं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये होगा डेविएशन, ये होगा डाइग्रेशन। ओके, तो डाइग्रेस का मतलब डेविएट होना। एक्सचेकर से मतलब क्या है, एक्सचेकर से मतलब है ट्रेजरी मींस खजाना। खजाना समझते हैं आप, जहां पे हम अपना धन कोष सब रखते हैं उसको बोलते हैं हम खजाना, ट्रेजरी। हेवन, हेवन से मतलब है सेफ प्लेस, अ सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान, इसको बोलते हैं हेवन। प्रेटा, प्रेटा का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट।
अनुपातिक, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी भी नोट करिए, प्रोपोर्शनेट का मतलब है अनुपातिक, अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में। स्पर्ट का मतलब है ग्रोथ। वैसे ये लिक्विड का सडनली बाहर आना, कोई भी जैसे आप कह सकते हैं हिंदी में धार जिसको बोलते हैं हम, पानी बहुत तेजी से बाहर आ रहा है तो उसको बोलते हैं स्पर्ट। तो यहां पे क्या है, ग्रोथ भी हो सकता है, सडन ग्रोथ। इकोनॉमिक वर्ड के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका यूज हो सकता है। और एम्यूलमेंट जो लास्ट वर्ड मैंने लिया है, एमोल्यूमेंट का मतलब है मनी पेड, मनी पेड। और मनी किस रूप में पे की जाए, चाहे वो सैलरी हो या फिर प्रॉफिट हो, उसको बोलते हैं एमोल्यूमेंट। तो प्रॉफिट के रूप में या सैलरी के रूप में जो पैसा हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमोल्यूमेंट। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या वर्ड गेम है। अभी सारे वर्ड्स आपने नोट कर लिए होंगे, मैं फिर रिपीट कर दूं, बुलियन जो वर्ड है वो होता है बार्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड। रेकंडाइट का मतलब है एब्स्ट्रूस और ऑब्स्क्योर, इसका मतलब है समझने में मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज ऑब्स्क्योर, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग इजिली एंड करेक्टली, दैट इज कॉल्ड रेकंडाइट। प्लेग का मतलब है एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट का मतलब है टू सफर समबडी और टू गिव, यू नो, टू गिव समबडी डिस्ट्रेस्ड मूवमेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड प्लेग। वॉय का मतलब है सफरिंग, पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुख। डायग्रेस का मतलब है डेविएट, डेविएट का मतलब भटकना पथ से। और एक्सचेकर का मतलब है ट्रेजरी, मीन्स खजाना। एंड हियर वी कम, हेवन, अ सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान, प्रोरेटा, प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक, एंड स्पर्ट, ग्रोथ, एमोल्यूमेंट, मनी पेड, जो पैसा भुगतान किया जाता है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो या फिर कोई पुरस्कार की राशि हो या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट हो, उसको कहते हैं एमोल्यूमेंट। अब देखता हूं, मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से आपको ये वर्ड गेम चलाना है, कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है वर्ड गेम खेलने के लिए। तैयार हैं आप? देखिए देखिए दोस्तों, मैंने शुरू किया बुलियन से, आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इमेजिनेशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्रिएटिव होने की आवश्यकता आपको है। आप अगर इमेजिन करने का सामर्थ्य रखते हैं तो यकीन मानिए कि ये वर्ड गेम बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। तो देखिए कैसे शुरू करें इसको। तो बुलियन जो वर्ड दे रखा है मैंने यहां पे, यहां आपको इमेजिन करना है कि आपके पास बहुत सी सोने और चांदी की बार्स हैं, सोने के बिस्किट कह दीजिए, अनकॉइंड होना चाहिए, सिक्के में ढला हुआ नहीं होना चाहिए, सोने चांदी को बोलते हैं हम बुलियन। आपके पास बहुत सारा सोना है, ओके। अब सब आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सोने का क्या करें, कैसे छुपाएं, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड कभी पड़ सकती है, जैसा कि इन दिनों में हुआ डिमोनेटाइजेशन के दौर में, तो आपको लगता है कि कभी भी रेड पड़ सकती है, चूंकि इसका लेखा जोखा मैंने दे नहीं रखा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स में। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर आपने कुछ नहीं रखा, आईटीआर फाइल में आपने मेंशन नहीं कर रखा, तो आप है भयभीत, आप डरे हुए हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू। तो बुलियन की वजह से आप क्या है, रेकंडाइट की स्थिति में है, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट टू डू, यू आर नॉट एबल टू फिक्स द सिचुएशन, ओके। सो अब देखिए क्या है कि ये चीजें जो आप हैं मेंटल, आपको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज आपको कर रही है प्लेग, आपको अफेक्ट कर रही है, आपको सफर कर रही है, और इस कारण से आपको सफरिंग झेलनी पड़ रही है। जो अफेक्ट कर रही है उस कारण से आपको सफरिंग, दुख झेलना पड़ रहा है। जितने भी लोगों से पूछते हैं तो अलग अलग राय बताते हैं, सीए के पास जाते हैं आप कि मुझे क्या करना चाहिए, तो डिफरेंट राय है। अपने मित्रों से पूछते हैं तो उनकी ओपिनियंस अलग हैं, इसलिए वो डाइग्रेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे डाइग्रेस कर रहे हैं और मुझे सही रास्ता नहीं बता रहे। अब आपको अचानक से अपना रास्ता याद आता है, आपको लगता है कि मुझे ये पैसा, मुझे चीजें बिना कोई चीज के, बिना किसी जोड़ तोड़ के मुझे सीधा सीधा बैंक में जमा कराना चाहिए, और मुझे इनकम टैक्स फाइल करने से बचने की आवश्यकता नहीं है, इनकम टैक्स भरने से मुझे बचने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये सुरक्षित तभी रहेगा, क्योंकि घर में तो डर है कि सोना चांदी चोर भी चोरी करके ले जा सकता है या फिर डाका डल सकता है। तो आपको उस डर के चलते आपको लगता है कि मुझे ये ट्रेजरी में जमा कराना चाहिए, बैंक में, आपको लगता है बैंक जो है वो एक ट्रेजरी है, वहां जमा करा देना चाहिए। तो वो हुआ खजाना, एक्सचेकर। आफ्टर दैट आपको लगा वो सेफ प्लेस है इसलिए आपने जमा कराया, हेवन है, मीन्स आपको लगता है ये हेवन है, मीन्स सेफ प्लेस है, आपको किसी आवश्यकता नहीं है कोई चीज डरने की, क्योंकि बैंक से कोई पैसा लूट के नहीं ले जाएगा, मेरा पैसा सेफ है। आपको लगता है कि मेरा पैसा जो मैंने जमा कराया है, मैंने सोना चांदी जमा कराया है, उस पर बैंक अनुपातिक रूप में मुझे प्रोपोर्शनेट रूप में ब्याज भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा मेरे पास, और ये सोना चांदी के साथ में मुझे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, ओके। और इसमें बहुत तेज बढ़ोतरी होगी, इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरा जो मूल्य है, आज का जो मूल्य है मेरे बार्स का, जो भी सोना चांदी मेरे पास है, तो उसके जो भी वैल्यू है फिलहाल, तो उसमें तेज बढ़ोतरी होगी, स्पर्ट होगी, और फिर मेरे को जब पैसा मैच्योरिटी लेवल पे आएगा
तो मुझे एमोल्यूमेंट के रूप में वो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट जो हुआ वो मिलेगा डेफिनेटली। तो ये एक स्टोरी मैंने बनाई है यहाँ पे, एक वर्ड गेम बताया है कैसे खेलना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बुलियन है मेरे पास, तब मुझे है रिकंडाइट, मैं रिकंडाइट स्थिति में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर मी कि व्हाट टू डू विद दैट, बिकॉज आई एम वेरी मच अफ्रेड कि या तो इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है या फिर चोर चुरा के ले जा सकता है, लेकिन मैं सेफ नहीं समझता अपने पास सोना चांदी रखना। तो इसलिए ये जो फीलिंग है जो मुझे अफ्लिक्ट कर रही है, जो मुझे प्लेग कर रही है, मैं वो एक स्थिति में आ गया हूँ, सफरिंग की स्थिति में आ गया हूँ। बहुत से लोगों से पूछा कि मुझे डाइग्रेस करते हैं, डेविएट करते हैं, भटकाते हैं, इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं एक्सचेकर में जमा करा दूं, बैंक में जमा करा दूं, जो मुझे एक्सचेकर लगता है। और ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो हेवन है, वो एक सेफ प्लेस है, क्योंकि बैंक मुझे प्रोरेटा स्थिति में, मुझे प्रोरेटा स्थिति मुझे ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, अनुपातिक मात्रा प्रोपोर्शनेट रूप में ब्याज देगा, और साथ ही मेरा पैसा जो है वो सडन ग्रोथ करेगा, स्पर्ट करेगा, और लास्ट में मेरा पैसा जो प्रॉफिट होगा वो मुझे एमोल्यूमेंट के रूप में मिल जाएगा। तो ये हुआ एक वर्ड गेम जिसकी मदद से मैंने, आप ये वर्ड्स बहुत सिंपल तरीके से हमने याद किए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको ये वर्ड कभी याद आएगा और स्टोरी याद आएगी, तो डेफिनेटली आप उस वर्ड को पुट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल खेल नहीं है जितना कि मुश्किल लगता है हमें रटना। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से भी वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं। आगे के सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। नाउन का पार्ट 3 मुझे अपलोड करना है, जल्द ही अपलोड करूंगा, कल या परसों में मैं आप तक को वीडियो आ जाएगा, साथ ही पीडीएफ फाइल आपको अटैच करके मिलेगी, ताकि आप नाउन के क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएं। देखते रहिए, जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।